तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मटर। उसके लिए हमने आधा किलो ताज़े हरे मटर ले लिए हैं। उसी के मसाले के लिए हमें चाहिए होगा 4 टमाटर कटे हुए, लहसुन, 2 प्याज, अदरक और हरी मिर्च, और मशरूम हमने गर्म पानी में धो लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेना है। मसाला हमने पीस लिया है, अब इसको हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे। टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का भी पेस्ट तैयार हो चुका है। प्याज को भुनने के बाद इसको हम डालेंगे। ये पेस्ट हमारा हल्का सा भुन चुका है, अब इसमें टमाटर जो हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। अब ये मसाला हमारा भून चुका है, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इसमें हमने नमक मिर्च मसाले डाल देने हैं। 1.5 चम्मच हम नमक डाल देंगे, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला भून चुका है हमारा, देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब इसमें हमने हरी मटर डाल देनी है। मटर को हमने अभी बिना पानी डाले ऐसे ही मसाले में पकाना है, और जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसमें मशरूम डाल देंगे। इसको पकने देंगे अभी। अब ये मटर मसाले में पक चुके हैं, तो अब इसमें हमने मशरूम डाल दें जो हमने काट के रखे थे। इसमें हमने अब थोड़ा सा पानी डाल देना है, इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। तरह से ये बहुत ही अच्छी सब्जी 10 या 15 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ये मशरूम मटर की सब्जी बन चुकी है। अब है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी बन चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को